अगर आपके घर में एक छोटी बच्ची है तो आप उसकी पढ़ाई शादी के वक्त एक मुफ्त मदद पाने के लिए केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। 0 से 10 साल से कम उम्र की बेटी उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी निवेश योजना है। निवेश के इस बेहतरीन विकल्प में पैसे लगाने से आपको इनकम टैक्स बचाने की भी मदद मिलेगी। हम आपको बताते हैं क्या है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना SSY बेटियों के लिए केंद्र सरकार की छोटी बचत योजना जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। बेटी बचत स्कीम से सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना। आज इसी क्रम में रायबरेली के श्री कृष्णा नर्सिंग होम की संचालिका डॉक्टर सुमेधा रस्तोगी और डॉक्टर संजय रस्तोगी के द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई। हम आपको बताएं कि उनके यहाँ जन्म लेने वाली बच्चियों को डॉक्टर सुमेधा रस्तोगी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उनका अकाउंट स्वयं अपने पैसों से खुलवाई। इसकी शुरुआत रायबरेली के श्री कृष्णा नर्सिंग होम में की गई। रायबरेली की डॉक्टर सुमेधा रस्तोगी के द्वारा लगातार समाज सेवा में एक अनूठी पहल की जाती है। इसी के तहत आज इस पहल को किया गया जिसकी आम जनमानस में चर्चा हो रही है और लोग उनको बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना का खाता। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपए के जमा के साथ खोला जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। कहाँ खुलेगा ये अकाउंट ये भी बताते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकतम शाखा में खोला जा सकता है। इसी क्रम में आज रायबरेली के श्री कृष्णा नर्सिंग होम में इस नई पहल की शुरुआत की गई है और जिसमें नवजात कन्याओं का अकाउंट खुद खुलवाएंगे डॉक्टर सुमेधा रस्तोगी एवं डॉक्टर संजय रस्तोगी। S7 की डेस्क रिपोर्ट। 18 साल के होने पे या अगर इंटरमीडिएट में फंस रही होगी आपको पैसे की जरूरत है तो आधा पैसा आप निकाल सकते हो क्योंकि पूरा पैसा तभी मिलेगा इंटरमीडिएट में। ठीक है, ये सुकन्या समृद्धि योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो उसमें बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए कि जो लड़कियां होती हैं 0 से 10 साल की लड़कियों के लिए कि उसमें अगर हम उनका अकाउंट खुलता है तो उसमें उसमें वो अपने भविष्य के लिए पैसा जमा करा सकते हैं। पहले से मालूम था, सबको मालूम होता है लेकिन लोग कराते रहते तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे यहाँ जितनी भी कन्याएं होती हैं लड़कियां होती हैं उनको उनका अकाउंट खुलवा दें जिससे कि एक इनिशिएटिव लोगों को मिल जाए, वो अच्छे कार्य में सहयोग कर सकें, हम अपना सहयोग दे सकें उस कार्य के लिए। ये सोच कर एक हमने एक कार्यक्रम शुरू किया। ये श्री कृष्णा नर्सिंग होम की डॉक्टर सुमेधा रस्तोगी के द्वारा एक नई पहल की गई है कि उनके नर्सिंग होम में जो कन्याएं जन्म लेंगी उनका ये हमारे डाक विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण और खाता है, सुकन्या समृद्धि खाता, इसको ये प्रारंभ कराएंगी जिससे कि बच्ची के भविष्य का निर्धारण हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसके पेरेंट्स पैसा जमा करके उसके बड़े होने पर उसकी पढ़ाई लिखाई अन्य कार्यों में उसका उपयोग कर सकें। इसके लिए डॉक्टर सुमेधा रस्तोगी को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ उनकी नई पहल के लिए, नई सोच के लिए। यहाँ पर हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हो रही है, उस सशक्तिकरण की दृष्टि से बहुत ही उल्लेखनीय महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।